हेलो फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे और मैं हूँ रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिश्रण पे। तो यदि आपको मिश्रण के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो के देखने के बाद जो है आपको ऐसा प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है और इसका अनुपात कितना है, तो 6:1 है। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है और दूध पानी का अनुपात कितना है, 6:1 है। कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कहा जा रहा है इसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात, अब कहा क्या जा रहा है कि मिश्रण जो है इसमें 8 लीटर और पानी मिला दिया जा रहा है, ठीक है। पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो जब 8 लीटर पानी और मिला दिए तो जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना हो गया, 6:5। तो हमसे कहा जा रहा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, जो मिश्रण था पहले उसमें दूध की मात्रा कितना था। अब एक बात बताइए, पानी फेर रहे तो क्या होगा, पानी का अनुपात चेंज होगा, दूध का तो अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ क्या है, दूध का अनुपात सेम है, 6 पहले से भी था अभी 6 है। पानी में कितना का अंतर हुआ, 5 - 1 = 4 का। अब दिया है कितना, 8 लीटर, तो 4 जो है वो 8 लीटर के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, 2 लीटर के बराबर है। तो एक बात बताइए, मिश्रण में दूध की मात्रा पहले से कितना था, 6 था। तो जब 1 2 के बराबर लीटर के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा, 6 × 2 = 12 लीटर। तो हमें पता चल गया कि जो मिश्रण था उसमें दूध की मात्रा कितना था, तो 12 लीटर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। एक मिश्रण है जिसमें क्या है कि अम्ल है और पानी है, अम्ल और पानी है, अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, तो 1:3 है, ठीक है। बाद में कहा जा रहा है यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए। अभी जो मिश्रण है इसमें क्या हो रहा है कि 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जा रहा है, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि तदनुसार उस नए मिश्रण में मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, जो ये नया मिश्रण है उसका कुल कितना लीटर है। एक बात बताइए, हम डाल रहे हैं अम्ल तो पानी का मात्रा कैसे बदल जाएगा, तो पानी का मात्रा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। एक बात होते हैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तब अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, अम्ल और पानी 2 × 6 यहाँ पे कितना हो गया, 3 × 6 ये तो बराबर है। यहाँ पे कितना लीटर डाल रहे हैं, अम्ल 5 लीटर ना, तब ये कितना हो जा रहा है, 1:2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3:6 में हो गया। ये दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1 का है, लीटर में कितने का है, 5 का है, तो 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ पे मिश्रण में जो है अब कितना है, 3 + 6 = 9 है, तो 1 जब 5 के बराबर है तो 9 कितने के बराबर होगा, 9 × 5 = 45 लीटर। तो हमें पता चल गया कि जो मिश्रण है उसमें कितना होगा अम्ल और पानी, तो 45 लीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और अगले टाइप का, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन बनाने से हमको कोई नहीं होगा कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब एक टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 810 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। अब कहा है कि आपको मिश्रण का ही दे दिया है, पहले क्या रहता था, पहला क्वेश्चन में मिश्रण का निकाले थे, दूसरा क्वेश्चन में नए मिश्रण का निकाले थे, लेकिन अब कहा है कि मिश्रण का आपको दे दिया कि 810 लीटर के
मिलीलीटर के मिश्रण है जिसमें कहा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, जेकरा में कहा है कि दूध है और पानी है, इसका अनुपात कितना है तो 7:2 है। उसके बाद देखिए इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए। अब पूछ रहा है कि हम कितना पानी और डाल दें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। जो नए मिश्रण हो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो? 7:3। हमको नहीं पता है कि कितना लीटर और पानी डाल दे, तो हम मान लीजिए कि 1 लीटर पानी जो है और डाल दे, ठीक है। अब एक बात बताइए कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है, 1 का, यही ना। अब एक बात बताइए, पहले से कहा गया कि 810 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2। मतलब कि यही ना, दूध यदि 7 लीटर होगा, पानी 2 लीटर होगा, तो 7 + 2 = 9 जो है वो कितने के बराबर है? 810 मिलीलीटर के बराबर है। तो 9 से 1 कट जाएगा, 9 × 81 = 90। तो यहां से पता चलेगा कि 1 जो है कितने के बराबर है? 90 है। अभी पानी में कितने का अंतर है? 1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया कि 90 लीटर यदि पानी और मिलाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? 7:3 में मिश्रण, नया मिश्रण मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी टाइप का, जिसे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 70 लीटर मिश्रण में, अब मिश्रण कितने का है तो 70 लीटर का है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, जिसमें कहा है कि दूध है और पानी है, और दूध और पानी का अनुपात कितना है तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अब कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए। अब कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में दूध कितना और मिला दिया जाए कि अनुपात, जो अनुपात है वो कितना हो जाए? 4:1 हो जाए। तो हमको तो नहीं पता कि कितना लीटर दूध, लेकिन एक बात बताइए, दूध मिला रहे हैं अभी पानी बदल जा रहा है, ये दूध और पानी दोनों बदल जाए, तो ये क्या है? गलत है। क्योंकि हमको क्या चाहिए कि दूध और इसमें पानी जितना है उतना ही पानी का अनुपात इसमें भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पानी में जो है हेरफेर नहीं करें। तो यहाँ पर कितना है? 2। तो इसको भी 2 लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो गया, दूध और पानी का जो नया अनुपात हो जाएगा, दूध और पानी का यहाँ पे कितना है? पहले दूध और पानी 5:2 में था, और इसको 2 से गुणा कर दिया तो 4 × 8 = 2। अब क्या है? पानी बराबर है। ये दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। अब देखिए, पहले से दूध और पानी कितना था? 70 लीटर था, यही ना। 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 था, तो 5 + 2 = 7। 7 जो है किसके बराबर है? 70 के बराबर है। तो यहां से 1 जो है 10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है ना। तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 30 लीटर का। तो हमें पता चल गया कि 30 लीटर और दूध मिला देंगे तो नया मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:2 या 4:1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे कितना है? 30 लीटर। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन इस पे और देखिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण के 30 लीटर आयतन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यह क्वेश्चन जो है CDS में पूछा गया है 2015 में। तो यहां पे देखिए क्या है कि दूध और पानी के मिश्रण है कितने लीटर का? तो 30 लीटर का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 7:3 है, जिसमें कहा है कि दूध है और पानी है, ये कितने का अनुपात में है? तो 7:3 में है। उसके बाद कहा जा रहा है कितने लीटर पानी और मिलाने पर, अब पानी कितना लीटर और मिलाए पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, जिससे कि मिश्रण में क्या हो कि दूध और पानी का अनुपात जो है 1:2 हो जाए। एक बात बताइए, मिला रहे पानी, ये दूध का अनुपात कैसे बदल गया? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अनुपात को, दूध को बड़ा करेंगे, इसके लिए क्या गुणा करेंगे? यहां पर 7 है, इसको 7 लाने के लिए क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। तो दूध पानी कितने अनुपात में? 7:3 में, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7:14। अब क्या है, दूध की मात्रा बराबर है, इस यहां पे पानी का अंतर कितना है? पहले 3 था, अब 14, तो 14 - 3 = 11 का अंतर है। अब एक बात बताइए,
पहले से जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था, 30 लीटर का। अनुपात कितना था, 7:3, तो 7 + 3 = 10 जो है वो 30 के बराबर है। 10 से 30 कट गया कितने बार में, 3 बार में, तो पता चल गया कि 1 जो है 3 के बराबर है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 11 का, तो 11 कितने के बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर। तो हमें पता चल गया कि 33 लीटर और पानी मिला देंगे तो ये दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।